हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको एलए का एक होटल दिखा रहा हूँ विच इज़ हायट होटल। बहुत ही कमाल का होटल था, क्योंकि बेस्ट पार्ट था इस होटल का इसकी लोकेशन बिल्कुल सनसेट बुलेवार्ड, सनसेट स्ट्रिप जो है उस पे ये था। सारे बार, सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स, सब कुछ था आसपास। तो बहुत ही कमाल का होटल है, अगर आप कभी भी एलए जाएं तो वहाँ ज़रूर रुकना। अमेजिंग, बेवर्ली हिल्स इज़ वेरी नियर टू दैट प्लेस। और वो मेरा लास्ट डे था एलए में, तो मैंने सोचा एक बार आपको होटल दिखा दूँ। और वहाँ से सीधा मैं निकला वापस कैलिफोर्निया के लिए। और जिस रास्ते से मैं गया, जिस रास्ते से मैं आना भी चाहता था पहले, US हाईवे 1, जो US का वन ऑफ द प्रिटीएस्ट एंड मोस्ट ब्यूटिफुल रास्ता है, वो मैंने रास्ता लिया। और काफ़ी मज़ा आया उस रास्ते पे, क्योंकि बहुत ही सीनिक ब्यूटी आपको देखने को मिलती है। मैंने GoPro से काफ़ी कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश की है और आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। बट वो रास्ता ज़रूर लेना कभी भी आप अगर कैलिफोर्निया टू वेगस जा रहे हैं या LA जा रहे हैं। इट्स अमेजिंग, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और अगर आप इस रास्ते से प्लान करोगे वापस जाने के लिए, या जाने के लिए LA की तरफ या कैलिफोर्निया वापस आने के लिए, तो थोड़ा टाइम निकाल के आना, क्योंकि ये रास्ता इतना सुंदर है। जगह जगह पे आपको बीचेस मिलेंगी, छोटी बीच, बड़ी बीच, कमर्शियल बीचेस, नॉन कमर्शियल बीचेस, और फील ही बिल्कुल अलग है। और रुक रुक के छोटी छोटी बीचेस के आसपास जो खाने पीने वाला सामान है वो खा पी के जब आप वापस निकलोगे टाइम दे के, उसका मज़ा बहुत ही अलग है। सो जस्ट हैव टाइम इन योर हैंड बिफोर यू हिट दिस रोड। और रास्ते में मालिबू भी आया था, विच इज़ वन सिटी जो बहुत ही फेमस है अपने बीच हाउसेस के लिए, एक्सपेंसिव हाउसेस, मैंने बताया इस वीडियो में। तो वो भी देख के आप सबको बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही अच्छी गाड़ियाँ, बहुत ही अच्छे घर, और बिल्कुल बीच पे, मतलब नीचे उतरो और आपका बीच चालू। सो काफ़ी मज़ा आया देख के। हेलो एवरीवन, सो मेरा ट्रिप फाइनली आज ख़त्म हो रहा है और मैं एलए से निकल रहा हूँ कैलिफोर्निया के लिए। सो प्लान कर रहा हूँ कि हाईवे 1 लूँ। काफ़ी थका हुआ हूँ, काफ़ी ज़्यादा गाड़ी चलाई है पूरे ट्रिप पे, तो ट्राई करूँगा कि हाईवे 1 से जाऊँ और रिकॉर्ड कर पाऊँ और आपको दिखाऊँ। अगर नहीं हो पाया तो छोटा रूट लूँगा जो 5.5 घंटे का है। हाईवे 1 से जाऊँगा तो 10 घंटे लगेंगे, बट मेरा भी प्लान है, मेरा भी काफ़ी मन है जाने का। बट आपको इस होटल के बारे में बता दूँ जहाँ रुका था मैं एलए में। ये वन ऑफ़ द बेस्ट होटल्स है, अंदाज बाय हायट। और इसकी बेस्ट पार्ट है कि ये सनसेट स्ट्रीट पे है, सनसेट स्ट्रिप बोलते हैं। सो जो थोड़ा सा टूर देता हूँ आपको इस होटल का, पूल दिखाता हूँ और थोड़ा सा अंदर से होटल दिखाता हूँ। यहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा है, रेस्टोरेंट्स भी अच्छे हैं, बार्स भी अच्छे हैं। तो अच्छे होटल में रहने का मज़ा ही अलग है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आप ट्रिप पे इंजॉय कर रहे हो, अगर घर वापस आओ, मतलब होटल वापस आओ, और अगर होटल अच्छा ना हो या कुछ कमी हो, तो थोड़ी सी गुंजाइश रह जाती है, मज़ा ख़राब हो जाता है। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ किसी अच्छे होटल में रहने के लिए, इवन इफ सिर्फ रात को आके सोना है, क्योंकि कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो आपको चाहिए होती है किसी होटल में, बेसिक एमिनिटीज़, अगर वो आपको ना मिले तो मज़ा थोड़ा ख़राब हो जाता है, मूड ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं ये हमेशा सोचता हूँ कि थोड़े अच्छे होटल में रहो, सो दैट ट्रिप भी इंजॉय करो और होटल के भी मज़े ले पाओ। और यहाँ पे इस होटल के अंदर आपको रेडीमेड कॉकटेल्स भी मिलती हैं,
बहुत अच्छी मैंने ट्राई की, एक बहुत ही अमेजिंग कॉकटेल थी। आपको दिखाता हूँ, ये पीछे सारी जो छोटी छोटी बॉटल्स हैं, जैसे ये है कॉस्मोपॉलिटन एंड माय फेवरेट विच इज़ ओल्ड फैशन। सो अगर आप देख सकते हो, इसमें नॉब क्रीक विस्की यूज़ की गई है, विच इज़ अ गुड विस्की, गुड बर्बन विस्की। सो वही छोटी छोटी बातें जो काफ़ी फ़र्क पड़ता है मेरे हिसाब से आपके स्टे पे, पूरे स्टे पे और पूरी ट्रिप पे। और बाकी होटल थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको। सो यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है इस होटल से। सो जो आप मेरे पीछे ये सारे बड़े बड़े घर देख रहे हो, ये काफ़ी एक्सपेंसिव घर है, एज एन मल्टी मिलियनर लोग रहते हैं यहाँ पे, और एक एक घर 10-10 मिलियन 20 मिलियन का है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे, बिल्कुल ओवर द टॉप बनाए हुए हैं, हिल के ऊपर बनाया हुआ है रूम घर। यहाँ का मज़ा बिल्कुल अलग है रहने का। और जो बेवरली हिल्स है, वहाँ पे मैंने एक टूर किया था, जो बस टूर था उसमें बेवरली हिल्स गए थे, वहाँ तो अमेजिंग ही है घर। वो बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एरियाज़ टू लिव है एलए में, इनफैक्ट नॉर्थ अमेरिका में। सो वहाँ पे एक घर बिका है अभी रिसेंटली विच वॉज़ अराउंड $120 मिलियन। तो आप हिसाब लगा लो कितना हो गया, 100 मिलियन इज 700 करोड़। सो काफ़ी अच्छे घर थे, बट काफ़ी अच्छी फीलिंग भी थी वहाँ जाके। तो मैंने सोचा एक बार देखना बनता है, ले नहीं सकते तो क्या हुआ, घूम तो सकते हैं। मैंने यहाँ एलए और वेगस में एक कल्चर देखा है कि एवरी होटल जो अच्छा होटल है उसके पूल्स में हमेशा पूल पार्टीज़ होती हैं, और पूल पार्टी सुबह से रात को 9 बजे तक चलती हैं। तो मैं तो नहीं जा पाया पूल पार्टीज़ में, बट हाँ मैंने पूल का मज़े ले लिए वेगस में। विन होटल में रुका था, विच इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल होटल, मतलब वहाँ पर तो फीलिंग ही अलग है बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने सोचा आपको पूल दिखा दें, काफ़ी अच्छा पूल है, काफ़ी चिल्ड आउट और काफ़ी लेड बैक एनवायरनमेंट है। और एलए में आके एक और चीज़ देखने को बहुत मिलती है, जो है बहुत ही अमेजिंग कार्स, मैकलेरन्स, लैम्बोर्गिनीज, जी क्लास मर्सिडीज़ विच इज़ एएमजी 63S। तो मैंने आज तक यूएस में, पूरे यूएस में अभी तक इतनी अच्छी गाड़ियां नहीं देखी जो मुझे एलए में देखने को मिल गई 3 दिन में। बज गए हैं 4
और मैं हूँ रास्ते में हाईवे 1 पे। अमेजिंग रास्ता है, थैंक गॉड मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं हाईवे 1 से जाऊँगा वापस। बहुत ही सुंदर है, इतने हर 2 किलोमीटर में एक बीच आ जाती है आपके लेफ्ट में। अभी एक बीच पे रुका हूँ जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जैसे अगर आप देख रहे हो पीछे सारे आरवीज खड़े हुए हैं, तो लोग यहीं अपना घर बसा लेते हैं क्योंकि यहाँ पार्किंग वार्किंग का तो कोई चक्कर है नहीं स्ट्रीट के साइड पे, और उनको बीच व्यू घर मिला हुआ है सबको। आई एम सो जेलस ऑफ देम बट अमेजिंग। और रास्ते में मैं रुका मैलिबू, विच इज़ फेमस फॉर सुपर एक्सपेंसिव बीच हाउसेस, मतलब वही 20-20 मिलियन के घर हैं। अमेजिंग घर थे, अमेजिंग व्यू वाले, बस नीचे उतरो और आगे बीच। यहाँ पे भी आगे आपको मिलेंगे ये सेम, बट ये आरवीज और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं कमाल के हैं। बहुत ही सुंदर बीच है और बहुत ही अच्छे और बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पे, सो आपको प्राइवेसी भी मिल सकती है। और यहाँ पे मेरी एलए और वेगस सीरीज़ ख़त्म होगी, और इसके बाद मैं अपनी एक फ्रेंड से मिला था, वो वाला एक वीडियो डालूंगा और उसके बाद मेरी वापस मायामी सीरीज़ शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद बहुत सारा कुछ है प्लान, बहुत कुछ करना चाह रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये अगर आप देख रहे होगे लोकेशन भी बहुत अच्छी है, तो जस्ट गेस कि इस लोकेशन पे मैं क्या वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। एंड अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर करो यार वीडियो, अभी बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइज, थैंक यू सो मच, सी यू सून, चीयर्स।